ये मत समझना कि हम तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने या प्यार की भीख मांगने आए हैं। हम सिर्फ तुमसे ये कहने आए हैं कि तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती में इंसान कभी कभी सांप को भी रस्सी समझ लेता है। हमसे भी गलती हुई कि हम तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे असली घिनौने चेहरे को नहीं पहचान सके। जाइए, आपको जहां जाना है। वैसे भी हम आपको रोकने वाले होते कौन है, और हमें भी आपको रोकने की जरूरत नहीं। जाइए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी नैना को नहीं भूल सकते। कितना ख्याल रखते थे ना आप हमारा। हर पल परवाह थी आपको हमारी। आप हमको नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। कहें कि हम आपके बिना नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। कहें कि आप हमारे साथ ऐसा कहें कि कहें कि आपको कहा अकेला छोड़ा आपने, क्यों छोड़ दिया हमें अकेला। जा रही है बेटा। बेटा, हम तुमसे बड़े हैं, उम्र में भी और अनुभव में भी। इसलिए कहते हैं, उस नरक में मत जा जहां से निकल के तू आई है। बिल्कुल ठीक बेटा, तुमने मामा जी बिल्कुल ठीक करे। अब हमें को देख लो। अरे, हम तो घर के दामाद थे, हैं? वहां के कारोबार को बढ़ाने के लिए हमने नौकरों की तरह काम किया, लेकिन देखिए, जैसे उन लोगों को मौका मिला, हमको लात मार के वहां से निकाल दिया। वो तो कहो कि तुमने हमें यहाँ पे सहारा दे दिया, नहीं तो ना जाने हम रखा। हाजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बेटा। देखो, हमने तुम्हारा नमक खाया है। हम जीते जी नहीं होने देंगे कि तुम कोई भी गलत काम करो। वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। भाजी, शादीशुदा बेटी का अपना घर उसका ससुराल ही होता है, और हम तो उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते से हम भटक गए थे, और वो रास्ता है हमारे प्यार और विश्वास का। हाँ भाजी, आप बस हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, बस। बेटा, तुम हम सब की बात नहीं मानना चाहती हो तो ना सही, लेकिन अपने छोटे छोटे भाई बहनों का मुंह तो देख। हम किसी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम तो यहां से एक भरोसा लेके जा रहे हैं, और अगर हमारे भरोसे में जरा भी सच्चाई है ना, तो देखिएगा, ईश्वर हमारा साथ जरूर देंगे। और इस बार हम उनको सब कुछ सच सच बता देंगे। फिर अगर उनकी इजाजत हुई, अगर उन्होंने हाँ कहा, तो हम गाएंगे, और अगर अगर उनकी इजाजत नहीं हुई तो नहीं गाएंगे। मेरी लाडो, अगर तू इतना समझती है
अपनी माँ की बात काहे नहीं मानती? हम तुम्हें ऐसे लोगों के बीच कैसे जाने दे जिन्हें तुम्हारे अरमानों की जरा सी भी कदर नहीं। आप ऐसा मत कहिए माँ, आप तो हमेशा हमारे दिल में और रहेंगी भी, पर हमारा दिल भी तो तभी जिंदा रहेगा ना जब हमारा जीवन रहेगा। और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ वो है, और अपने जीवन को ही बचाने हम उनके पास जा रहे हैं। गलती हमारी जो हमने तुम्हें इस घर का बेटा समझा। अरे हम भूल गए कि तू बेटी है और वो भी शादीशुदा। लेकिन लाडू, शादी हो जाने से तो खून के रिश्ते खत्म हो जाते। अरे खून के रिश्ते ही वो होते हैं जो दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हम भी तुम्हारे साथ थे। ये हमारी बेटी ससुराल में बहुत दुखी है, उसके अरमानों को कुचला जा रहा है। हमारी लाडो को शादी के नाम पर वो लोग पर काट रहे हैं। पर शादी के नाम पर उन लोगों ने हमारी फूल सी बिटिया के पर काटने की कोशिश की। इससे पहले कि तू जिंदगी में उड़ना भूल जाती, हमने इस घर में तुम्हें नया आकाश दिया। लेकिन नहीं नैना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें समझ नहीं सके। हमसे भूल हो गई बिटिया, हमसे भूल हो गई। सकाई करती है माँ, हमें जीने की नई उम्मीद भी तो आप लोगों ने ही दी है ना, और हमने जो कुछ भी सीखा है आपसे और इस घर से ही सीखा है। और आपने तो बाबूजी के जाने के बाद अपना और बाबूजी दोनों का प्यार हमें दिया। मेरी लाडो, अगर तू इतनी बात समझती है तो अपनी माँ की बात काहे नहीं मानती? हम लोग तुम्हें ऐसे लोगों के बीच कैसे जाने दें जिन्हें तुम्हारे अरमानों की जरा से भी कदर नहीं। हम मानते हैं, हम समझते हैं ये सब आप लोगों का प्यार है, पर आप लोग काहे नहीं समझ रहे हैं? ये हमारी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया कहीं और है। और हाँ, हमारे अरमानों का गला किसी ने नहीं घोटा है, और ना ही हमारे पर किसी ने काटे। अरे उसे प्यार करने के बाद हमने जाना, उसे शादी करने के बाद हमने जाना कि ये जीवन क्या होता है, प्यार क्या होता है। हाँ, आप लोग का प्यार हमेशा मेरे साथ है और हमेशा रहेगा भी, पर हम वहां सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अपने प्यार को बचा सके, जिसने हमें जीने का मकसद दिया है। तू चाहे भूल जाए लेकिन हम नहीं भूल सकते। वैसे दया शंकर ने हमारे घर पे आके हमारी इज्जत उछाली थी, और दामाद जी ने भी कौनो कसर नहीं छोड़ी। वो गलती सिर्फ उनकी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी भी है। हमें भी तो उस परिवार के मान सम्मान की और अपने पति की इच्छा का सम्मान नहीं रखा। लेकिन बिटिया तू तुम्हारी बस माँ, अब हमें उनके लिए कुछ भी नहीं सुनना है। हमें बस अपने पति के घर जाना है। जाओ, बिल्कुल जाओ, हम तो कहते हैं अभी जाओ। वो मीना जी क्या कहते हैं ना कि बेटी की डोली जो है बाप के घर से निकलती है, और अर्थी पति के घर से मरने के बाद। और वैसे भी कहा गया है कि बेटी का असली घर जो है वो ससुराल होता है, है? लेकिन हाँ, घर का ससुराल होना बहुत जरूरी है। और बेटा, जिस घर के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, घर नहीं है, जंगल है। मेरी बात को समझो, जंगल है। का मतलब भूखा जी? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम वो चीज को नहीं देखना चाह रही हो जो चीज को तुमको देखना चाहिए। अरे वहां सारे के सारे जानवर लोग रहते हैं, वो घर नहीं है। अगर तुमको वहां पे रहना है तो तुम्हें भी जानवर बनकर रहना पड़ेगा। हमारी बात को समझने की कोशिश करो। आप ही भूल रहे हैं कि आप जिसे जंगल कह रहे हो हमारे लिए स्वर्ग है, और जहां हमारे पति हैं वहां तो दुख में भी हम खुशी खुशी रह लेंगे। और हम आपसे पूछते हैं, आखिरकार भगवान राम के साथ भी तो सीता मैया जंगल में खुशी खुशी रही थी ना? अच्छा, और सीता मैया के साथ जंगल में हुआ का था ये तो पता है ना तुमको? खुपा जी, आप लोग चाहते का है हम जिंदगी भर यही पड़े रहे, अपने पति के पास नहीं जाए?
पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है, जब से हम जाने का नाम लिए हैं आप लोग तो हमें ही गलत ठहरा रहे हैं। नाना बेटा, हम इसलिए तुमको कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि हमको तुम्हारी चिंता है, लेकिन फूफा जी तो वहीं से रह के आ रहे हैं, ये वहां की सारी बातें जानते हैं बेटा। अच्छी बात है, पर अब आप लोग हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। हम अपने पति के घर जा रहे हैं और अब हमारी चिंता वही करेंगे जिन्होंने हमारी मांग में सिंदूर भरा है। रात एक करके किसे रास्ते पर लाए थे, सारा मट्टी में मिल गया। पता नहीं कौन से जन्म का पाप है ये जो हमारे घर में जन्म लिया। कीड़े पड़े इसके। महारानी बहुत मटक के गई है ना ससुराल, जब वहां पे डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा। रोती हुई आएगी तब पूछेंगे हम इससे। पास कर वो किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर पे। बोलनी, थोड़ा शांत हो जाइए नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अरे हम बाजी थोड़ी ना हार गए, बाजी पलटने के लिए और भी कई रास्ते हैं, काहे को चिंता कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाइए। हम ही में क्या कर सकते हैं, हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं। अरे तो रोकने को कौन कह रहा है, हम तो जाने को कह रहे हैं। जाइए जल्दी जाइए, नहीं देर हो जाएगी। गणपत बाबू इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा। कहा है कि ये बकलोल उसके साथ में रहेगा ना, तो हम लोगों को तुम खबर भी तो मिलती रहेगी। भैया हाँ बोलो ना गिरजा। भाई साहब आपको पता है नैना यहाँ आ रही है? हाँ तो भाई साहब ने कहा है ना कि नैना जब भी इस घर में आए उसका स्वागत नई नवेली दुल्हन की तरह होना चाहिए। स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और क्या बात है बोलो। भैया हम उस नैना की बात कर रहे हैं जो इस घर की मान मर्यादा। गिरजा भाई साहब ने जो कहा है वही मैं कह रहा हूं, ठीक है? और वही आप सुन रही हैं और वही आप करिए। यहां बैठ के बहस मत करिए, जाके जाके बहू के स्वागत की तैयारी करिए, ठीक है? अरे ये कोनो अकेले हमारी परेशानी थोड़ी है, इस घर की परेशानी है। लेकिन हमारी बात तो कोई समझ ही नहीं रहा है। बात का हो गई बताइए ना। अरे हम भैया के पास गए थे कि ये घर में नैना आ रही है, तो कहने लगे कि उसका स्वागत नई नवेली दुल्हन की तरह करो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। बाऊजी और चाचा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं, नैना ये घर की इज्जत को कितना नुकसान पहुंचाई है। बाबूजी उनका स्वागत की बात कैसे कह सकते हैं? ऐसा कह सकते नहीं, कह दिए हैं। हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है।
बाबूजी और चाचा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं, जो कि कल तक खुद ही पुनीत भैया जी को नैना से छुटकारा दिलाना चाहते थे। जरूर इनके पीछे कोई गहरी सोच है। आ बेटा। आजा। बजाओ। हाँ हाँ बजा। रुको।